किसी समय की बात है, मगध देश में राजा भानु प्रताप नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम रंभा था। राजा भानु प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं था जब महारानी रंभा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महाराज, राज पुरोहित जी पधारे हैं। प्रणाम राज पुरोहित जी, आप बहुत ही शुभ समय पर आए हैं। महाराज, कन्या के जन्म की बधाई हो। राज पुरोहित जी, हम चाहते हैं आप हमारी कन्या को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज, मेरा आशीर्वाद तो इस कन्या के साथ सदैव ही रहेगा। हम इस कन्या को शैफाली नाम देते हैं, पर ये हम क्या देख रहे हैं? क्या हुआ पुरोहित जी, आप शंका में क्यों पड़ गए? महाराज, आपकी कन्या की कुंडली में नाग के साथ शादी का योग है, जिसे टालना असंभव है। क्या, नाग से शादी? पुरोहित जी, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, यदि बाल रूप में ही आपकी कन्या का विवाह किसी नाग के बच्चे से करवा दिया जाए तो किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़ेगी, और उसके पश्चात आप उस नाग को जंगलों में छुड़वा देना, फिर कोई घबराने की बात नहीं होगी। राजपुरोहित के कहने पर राजा भानु प्रताप एक सपेरे को बुलाते हैं। देखो, ये बात यदि तुमने राज्य में किसी से भी कही तो तुम्हारी गर्दन अलग करते हमें देर नहीं लगेगी। तुम्हें जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा ही तुम्हें करना है। महाराज, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा। राजा भानु प्रताप और सपेरे की सारी बातें नाग का बच्चा सुन और समझ रहा था। राजपुरोहित भानु प्रताप की कन्या का विवाह उस नाग के बच्चे के साथ करवा देते हैं। उसके पश्चात वह सपेरा अपने झोले में नाग के बच्चे को लेकर वहाँ से दूर जंगल की ओर चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और समय के साथ राजकुमारी शैफाली बड़ी हो जाती है। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी शैफाली की सुंदरता की खबरें दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी, इसलिए अब राजकुमारी के विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे थे। क्या हुआ महाराज, इतने सारे पैगाम किसने भिजवाए हैं? रानी रंभा, हमारी बेटी शैफाली के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राज्यों के राजाओं ने अपने युवराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारी पुत्री शैफाली अपने लिए स्वयं वर चुने, इसलिए हमें राजकुमारी शैफाली के विवाह के लिए स्वयंवर रखना चाहिए। आपका विचार अति उत्तम है रानी रंभा, हम आज ही राजकुमारी शैफाली के स्वयंवर की व्यवस्था करते हैं। आओ राजकुमारी शैफाली, हम आपके बारे में ही वार्तालाप कर रहे थे। हमने आपके विवाह के बारे में विचार किया है और हम चाहते हैं कि आपका स्वयंवर रचा जाए जिसमें दूर दूर से वीर और महान योद्धा शामिल हों। पुत्री, तुम्हें इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? पूछिए माताजी पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं। आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वह उत्तम ही होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, फिर हम आज ही सेनापति को कहकर आपके स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर देते हैं और किसी अच्छे मुहूर्त में हम ये शुभ कार्य संपूर्ण कर देंगे। माताजी पिताजी, हमें महल में बहुत उदासी सी लग रही है। हम कुछ देर अपनी सखी चंद्रिका के साथ नगर में घूमकर आना चाहते हैं। हाँ हाँ पुत्री, जरूर जाओ, पर शाम होने से पहले लौट आना। राजकुमारी शैफाली शिकार पर चली जाती है। वो अपने रथ पर अपनी सहेली चंद्रिका के साथ नगर में घूम रही थी, तभी नगर में कोहराम मच गया। भागो भागो, सब यहाँ से भागो, नहीं तो वो विशालकाय राक्षस हम सबको खा जाएगा। वो इसी ओर आ रहा है, उसने सब तरफ कोहराम मचा दिया है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह चबाकर खा रहा है। राजकुमारी शैफाली, हमें वापस महल लौट जाना चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। डरो नहीं चंद्रिका, हम इस देश की राजकुमारी हैं। हम ऐसे मुसीबत से डरकर पीठ नहीं दिखा सकते। तभी वह राक्षस राजकुमारी शैफाली के रथ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम जो इस तरह नगर के लोगों को डरा रहे हो? ओहो सुंदरी, तुम तो देखने में अति सुंदर हो। तुम्हें तो मैं अपनी प्रिय रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस देश की राजकुमारी के सामने खड़े होकर इस तरह की बात करो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। राजकुमारी शैफाली जैसे ही राक्षस पर तीर से वार करने लगती है, वह राक्षस वहां से ओझल हो जाता है। राजकुमारी शैफाली, लगता है राक्षस आपसे डरकर भाग गया। चंद्रिका, हमेशा याद रखो, अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा मत करो। और जितना हम जानते हैं वह राक्षस हमसे डरकर भागने वालों में से नहीं है,
वह जरूर कोई षड्यंत्र रच रहा है। हमें चौकन्ना रहना होगा। राजकुमारी शैफाली महल आकर सारी बात राजा भानु प्रताप को बताती है। राजा भानु प्रताप महल की सुरक्षा के लिए पूरे महल में पहरा लगवा देता है। राजकुमारी शैफाली के स्वयंवर का दिन नजदीक आ गया था। महल में स्वयंवर की पूरी तैयारियां चल रही थी। एक सुबह, भाइयों इतने समय बाद नगर में एक सपेरा आया है, चलो चलो हम ये खेल देखते हैं। आओ भाइयों आओ, देखो इन सब सांपों को देखो, एक से एक कमाल दिखाते हैं ये, मेरी बीन की धुन पर नाचते हैं ये। वह सपेरा सारा दिन नगर में खेल दिखाता रहता है। उसे ऐसा करते शाम हो जाती है। बड़ी देर हो गई, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, रात भी होने वाली है। आज पहली बार इस नगर में आना हुआ है। भैया जब जिंदा थे तब वही इस नगर में आते थे, फिर अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया। पिछले 20 साल से मैं सपेरे का काम कर रहा हूँ, पर हमेशा भैया ने मुझे इस नगर में आने के लिए मना किया था। मुझे तो इस नगरी में ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि यहाँ पर आने की कोई पाबंदी हो, बल्कि मेरी तो अच्छी कमाई हो गई है। कहीं रात गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। उस रात वह सपेरा नगर में ही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसके सो जाने के पश्चात एक नाग उसके झोले से बाहर आता है। ये तो वही नगर है जहाँ पर आज से 20 वर्ष पूर्व जब मेरा विवाह इस नगर की राजकुमारी के साथ करवाया गया था। मुझे सब कुछ याद है। पता नहीं मेरा मन क्यों एक बार राजकुमारी को देखने की इच्छा में है। रात का वक्त है, इस वक्त तो वो सो रही होगी। एक बार मैं दूर से ही देख कर आता हूँ, अगर मैं नजदीक आया तो वो मुझे देख कर डर जाएगी। वह नाग रात के अंधेरे में महल के अंदर पहुँचता है। वो राजकुमारी के कक्ष को ढूंढने लगता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई बचाओ, ये राक्षस हमें जबरदस्ती ले जा रहा है। उस दिन तो मैं चला गया था, पर तुम्हारी सुंदरता मैं नहीं भूल पाया, और मुझे पता चला कि कल तुम्हारा स्वयंवर है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सिवा किसी और की पत्नी बनो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। उसके पश्चात मैं तुमसे विवाह करूँगा। वह राक्षस सबको मारता काटता राजकुमारी शैफाली को उठाकर भागने लगता है। मैं कहता हूँ मेरी पुत्री को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। अरे तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। मेरा नाम धूमकेतु राक्षस है, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मेरे होते तुम राजकुमारी शैफाली को कहीं नहीं ले जा सकते। लो बच सकते हो तो बचो मेरे विष के वार से। उफ, ये विष की दुर्गंध तो मेरे होश उड़ा रही है, रोको इसे, ये दुर्गंध मेरी जान ले लेगी। ये दुर्गंध तभी समाप्त होगी जब तुम राजकुमारी शैफाली को छोड़ दोगे। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मेरे डंक से बचकर दिखाओ। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, तुम्हारे नुकीले डंक ने मेरे शरीर को घायल कर दिया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। पर जाने से पहले मैं एक बार ये जरूर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने राजकुमारी शैफाली की मदद क्यों की? राजकुमारी शैफाली मेरी धर्म पत्नी है, बचपन में इनका और मेरा विवाह हुआ था, इसलिए अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है नागराज, आज तक मैं यही सोचता था कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, पर आज तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मुझे सबक मिल गया है कि कभी भी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे सच्चे प्रेम को देखकर मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से मनुष्य रूप प्रदान करता हूँ। आज के बाद तुम नाग रूप से मुक्त हो जाओगे और एक मनुष्य रूप में आ जाओगे। राक्षस वहाँ से गायब हो जाती है और देखते ही देखते वह नाग एक सुंदर युवक का रूप ले लेता है। पिताजी, माताजी, क्या ये सच है कि ये मेरे पति हैं और बचपन में नाग रूप में इनसे मेरा विवाह हुआ था? ये सत्य है पुत्री, ये तुम्हारा पति है। राजा भानु प्रताप राजकुमारी शैफाली को सारी बात बताता है। पिताजी, आज इन्होंने मेरी रक्षा करके अपना पति धर्म निभाया है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें अपना पति मानकर अपना पत्नी धर्म निभाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजकुमारी शैफाली, आज तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। और फिर राजा भानु प्रताप और रानी रंभा धूमधाम से राजकुमारी शैफाली और उस युवक का सभी विधि विधान से पुनर्विवाह करवाते हैं और खूब धन धान्य देकर खुशी खुशी विदा करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।